आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र चल रही है और माता के नौ स्वरूपों की, माता के शक्ति स्वरूपों की पूजा इस दौरान आराधना की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सबसे पहले माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कूष्मांडा, पांचवें दिन माता स्कंद माता, छठवें दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि और आठवें दिन माता महागौरी, नौवें दिन अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर, विंध्यवासिनी माता यहाँ विराजी हुई हैं। सिवनी शहर शिव की नगरी कहलाता है और शिव की नगरी में माता विभिन्न स्वरूपों में विराजी हुई हैं। माता के देवालय इन दिनों भक्तों की भीड़, अपार भीड़ माता के देवालयों में चल रही है। माता सभी को आशीष देती है, आशीर्वाद प्रदान करती है। माता के नौ स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, जिनकी उपासना नौ दिन तक चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, दोनों ही नवरात्र में माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा दो ये नवरात्र होती हैं और दो गुप्त नवरात्र भी आती हैं। इन गुप्त नवरात्र में भी माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। जानकार विद्वान बताते हैं चैत्र और शारदीय नवरात्र में माता की पूजा होती है और गुप्त नवरात्र तांत्रिकों के लिए बनाई गई बनी हुई हैं, इस तरीके की बात विद्वान बताते हैं। विंध्यवासिनी माता गणेश चौक से आप अगर बरघाट रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ विंध्यवासिनी माता विराजी हुई हैं। सुंदर स्वरूप माता का, विंध्यवासिनी माता का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। नौ रात्र में रात्रि इसलिए क्योंकि रात को ही माता के पूजन किया जाता है और वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि तक माता का पूजन का विधान है। नौ दिन तक जगह जगह पंडालों में माता विराजी हैं। सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी पंडाल लगे हों उन पंडाल में आप बिजली का जो कनेक्शन है, स्थाई या अस्थाई जो भी कनेक्शन आपके पास हो, उन कनेक्शंस को लकड़ी के खंभों पर लगाएं। अब ये आपको हम महामाया माता का ये देवालय लेकर आए हैं, महामाया माता का देवालय। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी में देवालयों की कमी नहीं है, विशेषकर माता के देवालय जगह जगह आपको नजर आ जाएंगे। महामाया माता सिद्धपीठ आपको दिख रही होगी। वैसे तो सिवनी में जितने भी माता के देवालय हैं सभी सिद्धपीठ ही माने जाते हैं। माता के नौ शक्ति स्वरूपों के बारे में हमने बताया। पहला शक्ति स्वरूप, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा स्वरूप है माता का ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता का चंद्रघंटा स्वरूप पूजा जाता है। कितनी सुंदर सलोनी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी और आकर्षक साज सज्जा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में धर्म प्रभाग आरंभ किया गया है, जिसमें धर्म से संबंधित खबरें पृथक से आपको आपके लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। आप उस चैनल को भी देखना ना भूलिए और उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको जितने भी उसमें खबरें डलेंगी, जितने भी माता के या भगवान गणेश या पूजन या उपवास आदि के बारे में जो भी जानकारी डाली जाएगी वो आप तक तत्काल ही पहुंच पाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप माता के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय अम्बे
जय महाकाली ये जरूर लिखिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। महामाया माता का ये मंदिर देवालय, कितनी सुंदर प्रतिमा माता महामाया की। माता के नवरात्र पर चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, पांचवें दिन माता का स्कंद माता स्वरूप पूजा जाता है, छठवें दिन माता की माता का पांचवें दिन स्कंद माता, कात्यायनी माता छठवें दिन, सातवें दिन माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर माता आपको विराजी हुई दिख रही होंगी। ये महामाया मंदिर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ ज्योति कलश रखे हुए हैं। ज्योति कलश तो वैसे हर जगह हर माता के देवालय में ज्योतिर्कलश रखे हुए हैं और लोगों के द्वारा बहुत आस्था के साथ इन कलश को रखवाया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हर माता के देवालय में, शिव की नगरी में माता के जितने भी देवालय हैं उन सारे देवालयों में ये ज्योतिर्कलश जगमगा रहे हैं, जवारे इसमें बोए गए हैं। हम आपको बता रहे थे सातवां दिन माता का कालरात्रि स्वरूप का पूजन होता है, माता के महागौरी स्वरूप का पूजन आठवें दिन होता है और नवमें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन होता है। इस तरीके का विधान है और हमने आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में माता के नौ स्वरूपों की कथा, उन्हें किस तरह आप प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा विधि, उनका भोग, सब कुछ आपको बताया, इसमें विस्तार से बताया है। काली चौक स्थित माता महाकाली के आपको अब हम माता महाकाली के दर्शन के लिए लेकर आए हैं। माता महाकाली को आप देख सकते हैं, ये हैं माता महाकाली, काली चौक स्थित माता महाकाली का दरबार। बहुत सुंदर आकर्षक तेजमय प्रतिमा काली चौक की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाएं तरफ का रास्ता बरघाट रोड की ओर जाता है और दाएं तरफ का रास्ता अंदर बस्ती की ओर जाता है। सामने आपको तेजमय स्वरूप में माता महाकाली ठीक सामने दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। कितना सुंदर देवालय बना हुआ है, आना आवागमन में कहीं इससे कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होती है। ये वास्तव में बहुत तारीफ की बात इसे मानी जा सकती है। काली चौक पे माता महाकाली यहाँ विराजी हुई हैं। एक बार फिर हम आपको बताते हैं, पहले दिन शैलपुत्री माता का, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का, चौथे दिन माता कूष्मांडा का, पांचवें दिन माता स्कंद माता, छठवें दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि, आठवें दिन माता महागौरी और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। चैत्र की नवरात्र जो वसंत ऋतु में आती, वसंते नवरात्र भी कहा जाता है, चैत्र की नवरात्र भी उन्हें कहा जाता है, और चैत्र की नवरात्र में जब पूजन होता है तो दसवें दिन वहां पर जवारों का विसर्जन होता है। पर अगर शारदेय जो शीतकाल में शरद ऋतु में जो नवरात्र आती हैं, उन शारदेय नवरात्र में 9 दिनों के बाद दसवें दिन विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाया जाता है। जगह जगह माता विराजी हुई हैं, पंडाल लगे हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के माध्यम से ये अपील हम आपसे करना चाहते हैं कि जहाँ भी पंडाल हैं वहाँ पर आप धार्मिक भजन ही बजाएं, अश्लील फूहड़ गानों को स्थान कतई ना दें। धर्म का मजाक ना बनने पाए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शालीनता सौम्यता बरकरार रहे इस बात को भी बहुत विचार इस पर भी किया जाना चाहिए।
पुलिस और प्रशासन को भी इस दौरान मुस्तैद रहने की बहुत ज़रूरत महसूस इसलिए भी होती है क्योंकि 9 दिनों तक ग्रामीण अंचल के लोग माताओं की प्रतिमाएं, झांकियां, साज सज्जा आदि देखने के लिए शहर की ओर रुख करते हैं। शहर में बाजार इन दिनों बाजार में भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए जवाबदेही थोड़ी सी प्रशासन और पुलिस की बढ़ जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हमने आपको माता महामाया, माता महाकाली, ये इनके बारे में भी आपको जानकारी दी और इनके देवालयों में हम आपको लेकर गए। वैसे कोविड के पहले से ही हम आपको सारे देवालय गणेश उत्सव के समय भगवान बुद्ध विनायक भगवान गणेश के देवालयों में, शिवरात्रि पर भगवान शिव के जितने देवालय हैं वहाँ, और माता के नवरात्र पर माता के देवालय, जो भी त्यौहार पर्व पड़ते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की कोशिश होती है कि आपको घर बैठे सारी जानकारियाँ, सारे देवी देवताओं के दर्शन सुलभ कराएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर फिर आ जाएंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।